तुम्हें क्या लगता है कि एक मूवी बनाने में क्या कितनी मेहनत लगती है? मुझे तो लगता है कि मूवी बनाने में मेहनत लगती ही नहीं है, एंजॉय करते हैं और मतलब कि एंटरटेन होते हैं जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं ऑफिस में काम करते हैं, ऐसे मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मूवी बनाने में बड़ा मजा आता होगा। सो नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जैसे हम सिर्फ देखते हैं कि 2.5 घंटे की मूवी है, 3 घंटे की मूवी है, तो हम सिर्फ एंजॉय करते हैं कि ज्यादा टाइम नहीं लगता। अंजलि की सोच नहीं है ये, लोगों की सोच है जो हम आपको बता रहे हैं। कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मूवीज में कमियां निकालना बहुत ही इजी होता है, रिएक्ट करना बहुत इजी होता है कि हाँ आए और बोल दे अच्छी नहीं बनी है, ये कमी है वो कमी है। तो एक मूवी को बनाने में एक एक्टर की, डायरेक्टर की, एक एक जो एक एक बंदा जो उस मूवी में होता है, उनकी कितनी मेहनत होती है मूवी में, वो दिखाने के लिए आज हम आपके लिए लेके आए एक वीडियो जो जिसका नाम है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सो अगर गाइस आप चैनल पे नए हैं तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस आज हम आपके लिए लेके आए हैं जर्सी मूवी, जो कि शाहिद कपूर की है, जो एक रिमेक मूवी बन रही है। ऑलरेडी एक जर्सी बनी हुई है साउथ मूवी, उसी का रिमेक है और जो कि 31 दिसंबर को हमें सबको देखने के लिए मिलेगी। तो उस जर्सी की जो जर्नी है, कैसे शाहिद कपूर ने पूरी उस जर्सी में कैसे शूटिंग हुई है, कैसे उसमें एज ए क्रिकेटर उन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो वो सारी चीजें पहले मैं बताऊंगा नहीं, इससे पहले कि उस पर कुछ रिएक्शन दें या कुछ बताएं, तो पहले देख लेते हैं वो वीडियो, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड गो। ओह नाइस स्टार्ट ना, द जर्नी 2 years। फुल ट्रेनिंग चल रही है इनकी, तो वीडियोस भी देख रहे हैं कि कैसे खेलते हैं प्लेयर, क्रिकेटर्स कैसे खेलते हैं। ओहो लग गए। मैं देखो मालूम है लाइफ में कभी सीरियस नहीं लेंगे, लाइफ में कभी सीरियस। आई हैव बॉल्स बॉल्स। चोट लगी है, ये मूवी का पार्ट नहीं है आई थिंक। ये सच में लगी थी ना? पच्चीस टाके आए थे ना। गाइज आपने जर्सी की जर्नी तो देख ही ली होगी कि कैसे मूवी में शाहिद कपूर ने कैसे कितनी मेहनत करी है इस रोल के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?
उसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि इससे पता चलता है कोई भी काम हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री का हो या फिर हमारा हमारी लाइफ का हो, कि हर किसी में मेहनत करनी बहुत जरूरी है। जो लोगों को लगता है कि लाइक मतलब कि ये फिल्म जहाँ जो लोग फिल्म करते हैं वो मेहनत नहीं करते, इंजॉय करते हैं, काश हम भी हीरो होते, हम भी ये सब करते, तो ये बहुत देखने में जितना ईजी है ना वो रियल लाइफ में इतना ईजी नहीं है। ठीक है, हर किसी को मेहनत करनी है, अपने हर जो वो जिस भी काम में है उसको मेहनत करनी ही है, फिर चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। जैसे कि लोगों कुछ लोगों को लगता है कि यूट्यूबर भी बहुत इजी होता है कि वो कैमरा उठाए कहीं भी कैमरा खोला और वीडियो शूट करने लगते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। वीडियो कैमरा उठाया, वीडियो बनाई और शूट कर दिया और डाल दिया। तो गाइस कोई भी काम आप करते हो तो वो इजी नहीं होता, हमें सामने वाला काम हमेशा इजी लगता है क्योंकि हम अपनी जॉब जो हम कर रहे होते हैं वो टफ लगती है। तो गाइस जो हम काम कर रहे हैं वो हमें टफ इसलिए लगता है कि उस काम में हम पूरी मेहनत करते हैं। तो गाइस कोई भी आप काम करते हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप यूट्यूबर हो, क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, तो जो आप सब जो भी कोई काम करते हैं वो बहुत मेहनत लगती है उस काम में, तभी सक्सेस होते हैं। तो यस सही कहा कि तभी बिना मेहनत के सक्सेस नहीं हो सकते। तो वापस बात करते हैं हम इस मूवी की। तो इस मूवी में जो शाहिद कपूर अच्छी, मतलब हमने जो अभी जर्नी देखी है उसमें उन्होंने जो ट्रेनिंग ली है, मतलब एज अ पूरे प्रोफेशनल क्रिकेटर वो लगे, इस तरह से उन्होंने पूरी एक ट्रेनिंग ली है, पूरे क्रिकेटर कोच से ट्रेनिंग ली है उन्होंने। और इस मूवी में हमने एक सीन भी देखा जहां उनको चोट लगती है और उनका ऐसे मुंह से ब्लड आ रहा होता है, तो उनको उसके बाद 25 टाके आए थे गाइस। जी हाँ, 25 टाके। तो 25 टाके के बाद ही उन्होंने इस मूवी कंटिन्यू किया, और ये देखना काफी अच्छा रहेगा कि कैसी ये मूवी होगी। ये रीमेक मूवी है, जिन लोगों ने पुरानी जर्सी देख ली तो शायद वो ये मूवी ना देखे, बट एज अ शाहिद कपूर के फैन जो होंगे वो फिर भी देखने जाएंगे, क्योंकि शाहिद कपूर जी एक्टर ही इतने अच्छे हैं कि उनकी कोई मूवी हम लोग छोड़ते नहीं है। और उनकी जो भी वो मूवी बनाते हैं उसमें वो लोगों का दिल जीत ही लेते हैं। तो इस मूवी से भी हम सबको पूरी उम्मीद है कि उन्होंने कुछ अपने स्टाइल में कुछ ना कुछ अच्छा सा किया होगा, और ये ऑलरेडी एक नेशनल अवार्ड मूवी रह चुकी है जर्सी, तो ये भी काफी अच्छी मूवी जाएगी। सो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। सो अब मिलेंगे आपसे अगले किसी एक्शन वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।